Chapter Attaba. I welcome you on Fail Fest page. And आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब विशाल खान साहब, जो कि कॉर्पोरेट लॉयर हैं. मिस्टर विशाल खान इज अ कॉर्पोरेट लॉयर मैनेजिंग हिज लॉ फर्म अक्रॉस पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. हिज अप्रोच बीइंग अ लॉयर इज टू एक्ट लाइक अ गार्डनर, नॉट हंटर. हिज मोटिव इज टू सर्व एंड प्रोवाइड लीगल सॉल्यूशन व्हाइल प्रोटेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ दिस लीगल प्रोफेशन. Being a trainer, his goal is to serve humanity, empower our people, and to be getting enlightened enough so that we lead our lives as per the will of our Lord. Amen. He's a certified trainer from Asian Competitive Institute on Train the Trainers, having a certification from Protector Gallagher Institute, USA, on creating wealth and building your inner image. He is a graduate in mind sciences with advanced level in fourth dimension and a certified hypnotherapist from the Institute of Mind Sciences. His signature training workshop, among others, is the science of success and managing yourself and your career. So ye tha janab Mr. Vishal Khan saab ka introduction. Sir, aapko welcome karte hain Fail Fest ke page pe. Umeed hai aap khairiyat se honge. Thank you, Mohsen, and assalamu alaikum everyone. It is my pleasure to be on the Fail Fest live today. Assalamu alaikum everybody. Walaikum assalam. Sir, actually Fail Fest, जैसा कि आप जानते हैं, Fail Fest का motive ये है कि जो लोगों की failed stories हैं, उनको कैसे लोग ज़िंदगी में fail हुए और कैसे उन्होंने उस failure को success में convert किया, तो उससे ताकि हमारे audience के लिए कुछ ना कुछ lesson ऐसा मिले जो अपने future में learning के तौर पे ले सके. तो हम आपकी भी स्टोरी सुनना चाहेंगे. आई थिंक नाउ द फ्लोर इज योर्स. शुक्रिया मोहसिन, थैंक यू वेरी मच. दुनिया में हर इंसान जो अपने को कामयाब समझता है, उसकी कामयाबी के पीछे हजारों हजारों नाकामियां होती हैं, और मैं भी एक ऐसा ही इंसान हूँ. मैं बहुत ही एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट मानसेरा की तहसील उगी से ताल्लुक रखते हूँ, और मेरे गांव का नाम हवागली है. और हवागली से जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था, तो मैं तकरीबन 6 मील स्कूल पढ़ने के लिए पैदल जाया करता था. और मेरा मेरे ड्रीम्स थे कुछ, और सबसे पहला मेरा ड्रीम था कि मैं पायलट बनूं. और मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से पूरे डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में से एयरफोर्स की टीम आई, और मैं उसमें सिलेक्ट होके CIB चला गया SSB. और SSB में मेरा पहला फेलियर ये था कि मैं SSB तो कामयाब कर गया, मगर मैं CMB से रिजेक्ट हो गया. और चूंकि गांव में पूरी कहानी फैल चुकी थी कि विशाल खान, वो चूंकि हमारा गांव है, तो गांव में लोग ये नहीं समझते कि पायलट होता है या एयरफोर्स में होता है या PIA में होता है. वो समझते हैं वो जहाज़ों में चला गया है और जहाज़ उड़ाने के लिए गया हुआ है. अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं वापस जाऊँ, मगर मेरे लिए ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस था कि नंबर वन, जब आप स्ट्रगल में हों, जब आप अपनी किसी मंजिल की तलाश में हों, और जब तक आप मंजिल पे ना पहुँचें, आपको डंडोरा नहीं पीटना चाहिए. बिकॉज वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जब आप कामयाब हो जाएंगे, सब सबको पता चल जाएगा, और वो कहते हैं चंद चढ़सी ये सब वैक्सन. एनीवेज, कुदरत के अपने प्लान होते हैं, और एवरीथिंग हैपन्स फॉर समथिंग. और मेरा ख्याल है कि वो जो मेरा फेल्योर था, देयर इज वाई स्टेप स्टोन टूवर्ड्स माई सक्सेस. बिकॉज आज जब मैं अपने आप को देखता हूँ पीछे की कहानी, मैं कहाँ से चला और मैं कहाँ आ गया, तो अगर मैं शायद एयरफोर्स में जाता तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अभी बहुत तरक्की करता, एयर मार्शल रिटायर हो जाता, और शायद अब मेरी रिटायरमेंट की एज करीब होती. मगर मैं लॉ में चला गया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं समझता हूँ कि मेरा करियर अभी स्टार्ट हुआ है. मैं प्राइवेट पढ़ता रहा कराची में, और रात की शाम की क्लासेस में मैं अपनी एजुकेशन हासिल करता रहा. ड्यूरिंग दैट एजुकेशन मैं अपने SM लॉ कॉलेज का चैम्पियन था टेबल टेनिस का, और मैं कराची डिस्ट्रिक्ट से खेला क्रिकेट. तो वो जो मेरा फेलियर था, उसने मुझे कामयाबी की वो राहें दिखाई जिन पे मैं चलता ही चला गया. और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपनी एक लॉ फर्म चला रहा हूँ, और एक से ज़्यादा एक और कंसल्टेंसी फर्म भी चला रहा हूँ, और मेरी जो फर्म है वो अक्रॉस द ग्लोब बेशुमार क्लाइंट्स के साथ और बेशुमार लॉ फर्म के साथ काम करती है, और अल्हम्दुलिल्लाह. बट ये जो सफ़र है, ये भी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी नाकामियों का एक लंबी सी कहानी है. जब मैंने कराची में वकालत शुरू की,
तो फिर ये हुआ कि कराची में हालात काफ़ी ख़राब हो गए, ये 97-98 की बात है, और इतने ख़राब हुए कि कराची में मेरे लिए ठहरना मुश्किल हो गया, तो मैं कराची से हिजरत करके रावलपिंडी आ गया, और फिर मैंने यहाँ एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें जॉब शुरू कर दी, इंस्टेड की मैं वकालत शुरू करता बिकॉज नए शहर में जमना ज़रा मुश्किल होता है, और वहाँ मेरी बड़ी अच्छी जॉब चल गई। मगर वन फाइन मॉर्निंग मेरी ज़िंदगी का एक और रोमांटिक दिन आया जब मेरे बॉस ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि यार हमारा रिलेशनशिप नहीं चल सकता, और मैं हक्का बक्का परेशान रह गया कि मैं क्या करूँगा। और फिर उसके बाद मैंने रावलपिंडी इस्लामाबाद में ही वकालत शुरू कर दी, और दिन को मैं वकालत करता और रात को मैं अखबार में काम किया करता था। ये 98, 99 और 2000 की बात है, और मैं इसके अंदर स्ट्रगल कर रहा था कि मैं ब्लू एरिया से अखबार में काम करता, रात भाई 12 बजे छुट्टी करता, और सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी में रात को 12-1 बजे में पैदल जाता, और ये कहानी कोई 6 महीने की नहीं है, तकरीबन 1 साल होता रहा। लेकिन फिर एक टाइम आया कि फिर मैंने सोचा कि मुझे फोकस करना पड़ेगा अपने प्रोफेशन के ऊपर, बिकॉज अगर आप 2 किश्तियों में चल रहे होंगे तो आप किसी एक के सवार नहीं रहेंगे, और चूंकि मैं इस अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा एक्सेल कर रहा था, मेरा लीगल एप्टीट्यूड भी था, तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी, और मैंने जिस लॉ फर्म में मैं काम करता था वो मुझे उस वक्त कोई पैसे नहीं देते थे, लेकिन स्टिल मैंने स्ट्रगल की, और फिर एक दिन आया कि उन्होंने मुझे पैसे देने शुरू कर दिए, और फिर एक ऐसा टाइम आया कि मैं पिंडी इस्लामाबाद के फाइनेंस के नामी ग्रामीण वकीलों में से हो गया। एंड फिर एक दिन मुझे फिर शौक चढ़ा कि मैंने कुछ और करना चाहिए, नया वेंचर करना चाहिए, तो 2004 में मैंने इस्लामाबाद पिंडी में अपनी प्रैक्टिस छोड़ के और मैं अफगानिस्तान चला गया, और अफगानिस्तान में मैंने अपनी लॉ फर्म शुरू की। और जब मैं एम्बेसी में गया पहले दिन, तो चूंकि अफगानिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं थे पाकिस्तान के साथ, तो मुझे कमर्शियल काउंसलर दो था, उसे मैंने चूंकि इंट्रोडक्शन लेटर लेना था तो मुझे दे दें ताकि मैं फॉरन ऑफिसर टेस्ट करके और जाकर अपनी लॉ फर्म या अपनी लीगल प्रैक्टिस इस्टेब्लिश करूँ कि यहाँ मेरे कुछ कॉर्पोरेट क्लाइंट हैं। तो चूंकि उनको कंसेप्ट नहीं था कि मेरी प्रैक्टिस में और कन्वेंशनल प्रैक्टिस में क्या फ़र्क है, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि यार यहाँ पे तुम क्या प्रैक्टिस करोगे, यहाँ तो जलाओ गिराओ और बमों और धमाकों के सिवा कुछ भी नहीं है। मैंने उनसे कहा कि यार आप मुझे लेटर दे दें, बाकी आप छोड़ें, बाकी मैं कर लूँगा। तो फिर मैंने अफगानिस्तान में स्टार्ट किया, और फिर अफगानिस्तान में एक ऐसा दिन आया कि मैं लोगों से कहा करता था कि यार अब एयरपोर्ट पर आप किसी से पूछ लो कि हमें वकील चाहिए तो वो आपको मेरे ऑफिस पहुँचाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अफगानिस्तान के टॉप नॉच लॉ फर्मों से मेरी लॉ फर्म का नाम है। लेकिन ये दिन अफगानिस्तान के जो दिन थे मेरे बड़ी मुश्किल के दिन थे। एक ऐसा दिन भी आया कि PIA का टिकट $275 हुआ करता था, और मैं अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने से चाह रहा था, और मेरे पास $75 नहीं थे कि मैं टिकट ले सकता। लेकिन उस दिन मैं अपने एक क्लाइंट के ऑफिस से एक और क्लाइंट के ऑफिस तक तकरीबन 6 किलोमीटर बर्फबारी हो रही थी, और मैं पैदल सफर करके जा रहा था। लेकिन मैंने कहा कि चलो मैंने तो अपना काम कर दिया है, और बाकी अल्लाह ताला की मर्जी है, और काम करना मेरा काम है और देना उसका काम है। अब बिकॉज आई बिलीव के ऑन दिस अर्थ आवर पर्पज इज़ टू सर्व, बिकॉज अल्लाह ताला ने हमें दुनिया की हर नेमत अता की है एज ए ह्यूमन बींग। हमें सूरज की रोशनी अता होती है, हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमारे इर्द गिर्द सब्जा उगता है, फूल उगते हैं, फल उगते हैं, बर्फबारी होती है, बारिश होती है, धूप होती है, चिड़ियाँ चहचहाती हैं, हवाएं लहराती हैं, नदियाँ बल खा खा के गुजरती हैं, दरियाएं और समंदर मौज जन है हमारे लिए। तो ये सब जो अल्लाह ताला ने हमें प्रिविलेज दे रखी हैं, इसके बदले अल्लाह ताला कुछ तो हमसे चाहता होगा। तो मैंने इस पर गौर फिक्र किया, तो मैंने कहा नहीं, ये सब कुछ होने के बावजूद मेरा काम है टू सर्व, एंड दैट इज द रेंट विच आई हैव टू पे फॉर दीज प्रिविलेजेस। एंड रॉबर्ट कियोसाकी, जिसने रिच डैड पुअर डैड लिखी है, मैंने उसकी किताब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि आवर पर्पज इज टू सर्व, द बेसिक पर्पज ऑफ एनी सर्विस इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स, शॉप सेलिंग, डूइंग वट एवर, द ओनली पर्पज इज टू सर्व द अदर, मनी इज द बाय प्रोडक्ट, एंड वंस यू सर्व द प्रोडक्ट इट सेल्फ कम्स। तो उस दिन जब मैं ये सोचता हुआ दूसरे क्लाइंट के ऑफिस में पहुंचा, तो मैं उनके पास बैठा, उनके कंट्री मैनेजर थे, उनसे मैंने कहा कि सर मेरे लिए चाय मंगवाइए। इतने में उनका जो ऑपरेशन मैनेजर था वो मेरे पास आया, और उसने कहा कि वकील साहब आपके अकाउंट में मैंने $8,000 डाल दिए। मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने उससे कहा कि यार तुम तो फरिश्ते हो। ठीक है, उस दिन से मेरा बिलीफ है अल्लाह ताला पे, डे वन से, कि मेरा काम है काम करना, बिकॉज इंसान को जब अल्लाह ताला ने भेजा तो जब हमारा ईमान है, कुरान में लिखा हुआ है, सूरह बकरा में, सूरह आले इमरान में है कि जब
जब खुदा ने इंसानों को पैदा करने का तहिया कर लिया तो उसने आले मरवाह में अजल से अबद तक आने वाली तमाम रूहों का एवरेज अता करूंगा और तुम उसे वादा करोगे कि तुम मेरी मैंने जो तुम्हारी जमीन जो पर्पज देके भेजूंगा वो पूरा करोगे और पूरा इसीलिए करोगे कि क्या मैं तुम्हारा रब हूँ। पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, तो हम सारी रूहों ने कहा ये कालू बला, हाँ हम आपको अपना रब मानेंगे। और मानने का मतलब ये है कि आप जिस पर्पज के लिए भेजे गए हो आप उसको पूरा करके वापस आओगे। बिकॉज ये एक लाइफ स्पैन है, किसी का 60 साल है, किसी का 70 साल है, किसी का 50 साल है, किसी का 30 साल है, किसी का 20 साल है, वट एवर द पर्पज इज। ऑल्दो कि मोस्टली मेजोरिटी ऑफ द पीपल डोंट अंडरस्टैंड, नाइदर दे कैन डिस्कवर, नाइदर दे नो, नाइदर दे ट्राई टू नो व्हाट इज द पर्पज। बिकॉज आज 8 जून 2020 है, अगर हम देखें तो 8 जून 1920 एक दिन गुजरा है आज से 100 साल पहले, जिसमें हम जैसे हजारों कामयाब नाकाम काले गोरे अमीर गरीब इंसान थे और बड़े बड़े मशहूर दानिश्वर और बहुत बहुत मिलियनेयर 3 मिलियनेयर लोग होंगे, मगर उनमें शायद कोई भी नहीं है। अगर हम 100 साल पीछे आगे चले जाएं और 2120 8 जून 2120 पे शायद हम में से जो आज बच्चा आज ही पैदा होगा वो भी शायद ना हो। तो इस का मकसद है कि हम एक टाइम फ्रेम में अगर आए हैं तो ये इस टाइम फ्रेम में हम विदाउट पर्पज नहीं हैं। और फिर मैंने सोचा कि यार मेरी जिंदगी कोई पर्पज है, एंड दैट पर्पज इज टू सर्व द अदर, और मैं उसी मोटिव के साथ चलता हूँ। और अल्लाह ताला ने जब मैं इस मोटिव के साथ चलता हूँ तो अल्लाह ताला कदम कदम पे ना नाकामियाँ जो होती हैं वो मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। बिकॉज जब मैं नाकाम होता हूँ, जब कोई भी इंसान नाकाम होता है, अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो हमें देखना पड़ेगा कि यार हमें क्या करना चाहिए था, हमने क्या किया, हम क्यों नाकाम हुए। उस नाकामी की 2 वजह होती हैं, आइदर वी हैड ए प्लान और हम उस पर ठीक नहीं चल रहे थे, या हमारा प्लान गलत था जो कि हमें उसको रिवाइज करना चाहिए, या हमारा प्लान ठीक था मगर उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे हम, या हमारे प्लान के पीछे कोई पर्पज नहीं था। तो जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो जो भी नाकामी थी उसने मुझे एक सबक सिखाया, और एवरी जो भी फेल था, मेरा फेलियर था, वो मेरा एक सक्सेस की तरफ एक स्टेप स्टोन था, और उसे मैं सीखता चला गया और मैं आगे तक चलता हुआ आज आ गया। तो अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुजार हूँ कि नंबर वन उसने तो हमें ये फहम अता कर दिया है कि मुझे ज़िंदगी की समझ आ गई है कि एटलीस्ट मैं भी पॉसिबल कि मैं स्टिल आई एम इन सर्च ऑफ माई पर्पज, बट आई नो दैट देयर इज़ अ पर्पज विच आई मे डिस्कवर, आई मे नॉट डिस्कवर, बट आई एम हेयर ऑन दिस अर्थ फॉर अ पर्पज, एंड एवरी फेलियर फॉर अ पर्पज, एंड इट लीड्स टू मी टूवर्ड्स माई सक्सेस, बिकॉज द सक्सेस इज आवर डेस्टिनी। किसी दानिश्वर ने कहा था कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल अपना पर्पज दरियाफ़ नहीं कर पाते, उनकी ज़िंदगी का मकसद होता है कि उनको नौकरी मिल गई, उन्हें गाड़ी खरीद ली, उन्हें घर ले लिया, उनकी शादी हो गई, एंड देन दैट्स ऑल। और ये उमूमन लोगों की मेजोरिटी लोगों की 26 ईयर की एज तक हो जाता है। तो उसने कहा है कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल डाई एट 26 एंड दे आर बरीड एट 76। तो उनको 26 से लेकर 76 तक ये पता भी नहीं चलता कि हम क्यों आए इस दुनिया पे। तो हम जिस टाइम फ्रेम में आए हैं वो विदाउट पर्पस नहीं हो सकता। और आज हम जो लाइफ फेल्फेस पे जा रहे हैं इसकी भी एक वजह है, बिकॉज देयर इज ए प्रॉब्लम इन द ग्लोब। जो पेंडेमिक है, जो COVID-19 है, उसकी वजह से बहुत से लोगों को अपना ये फेलियर नजर आ रहा होगा, बहुत लोगों को ये हर्डल नजर आ रही होगी, बट इट ब्रॉट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। नंबर वन, इट टॉट अस लेसन दैट हमें ब्रेक लेना चाहिए, और इट टॉट अस लेसन कि हमारे सारे प्लान जैसे हम प्लान करते हैं वैसे नहीं चल सकते, और इट टॉट अस अ लेसन दैट डिस्पाइट एवरी हर्डल, इवन कि हम शायद बाहर ना भी निकल सकें, स्टिल वी कैन परफॉर्म, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इतनी एबिलिटी दे दी है और हम आज उस एरा में रह रहे हैं कि जहाँ देर इज़ नो डिस्टेंस। ऑल्दो वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल डिस्टेंस, बट आई डोंट कॉल इट सोशल डिस्टेंस बिकॉज वी कैन नॉट get us apart from the social distance, because man is a social animal. This should be physical distance, because social distancing se to hum kat gaye to hum to apne maashre ko rok denge, lekin agar hum physical distance rakh ke apne maqsad ki taraf chalte rahe to aaj zinda misal hai ki main aur aap live baithe hue hain, aur Failfest jo ki hum mukhtalif organization mein ja ke 1 महीना 2 महीने 3 महीने पहले प्लान किया करते थे और फिर उसको जाके उसके लिए मैनेज किया करते थे, और फिर कभी होता था और कभी नहीं होता था, और कभी अच्छा होता था कभी बुरा होता था, बट टुडे वी आर जस्ट अ क्लिक अवे फ्रॉम ऑन अ बटन आवर कंप्यूटर, एंड जस्ट वी टर्न ऑन आवर इंटरनेट एंड वी आर लाइव एंड वी आर कंडक्टिंग दिस Failfest। इट मीन्स कि हम अपॉर्चुनिटी के बहुत बड़े दौर में जी रहे हैं, जहाँ पे सब कुछ सिर्फ एक क्लिक के ऊपर है। आज हम
इस कदर कनेक्टेड हैं कि हम इस वक्त में अगर व्हाट्सएप पे आपकी तस्वीर लूं या इस फेसबुक लूं और इसमें क्लिक कर दूं तो विद इन ए सेकंड ये अमेरिका में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, पाकिस्तान में, हर जगह उसी सेकंड में जिसको मैंने भेजी उसके स्क्रीन पर नमूदार हो जाएगी। तो अगर अल्लाह ताला ने हमें इस कदर अपॉर्चुनिटी दे दी है तो छोटे छोटे फेलियर्स हैं वो हमारे स्टेपिंग स्टोन है टुवर्ड्स द सक्सेस, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड टू मेक अवर फेलियर्स एवरी स्टेप अ लैडर टू अवर सक्सेस। जी मोहसिन आई थिंक यू एंडेड। तो आपकी स्टोरी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त स्टोरी थी, अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी दी, कुछ फेलियर से जाहिर ही बात है उसमें ड्रीम्स जब इंसान के कई दफा टूटते हैं तो शॉकिंग सिचुएशंस होती है और इंसान को उससे कोई ना कोई लर्निंग मिल जाती है। तो आपके लिए पहला जो फेलियर था जो आप जिस तरह बता रहे हैं कि आप एयरफोर्स में जाना चाहते थे एज अ पायलट, जब वो पूरा नहीं हुआ तो आप पे क्या उस टाइम फीलिंग? एक्चुअली उस वक्त वो चूंकि एज ऐसी होती है 17-18 ईयर्स की या 16 ईयर्स की एज होती है कि वहाँ हम ग्रास्प नहीं कर पा रहे होते अपनी उस सिचुएशन को कि क्यों ऐसा हो गया। एट दैट पर्टिकुलर टाइम तो मेरी फीलिंग यही थी कि यार मेरा तो ड्रीम टूट गया है, ठीक है। तो फिर मुझे चूंकि मैं किताबें पढ़ता था और मुझे सब कहते थे यार कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, होता है, ये आपका दो अपॉर्चुनिटी और हैं, तीन अपॉर्चुनिटीज और हैं। बट मैं सोचता था कि यार एक दिन शेख चिली था ना वो अपने सर के ऊपर अंडों की टोकरी लेके चल रहा था और वो ख्वाब देखता जा रहा था कि मैं अंडे बेचूंगा तो मुर्गियां खरीदूंगा, फिर मुर्गियां खरीदूंगा तो फिर बेचूंगा तो भैंसें खरीदूंगा, भैंसें खरीदूंगा तो फिर एक बहुत बड़ा सा अपने लिए एक रेवड़ खरीदूंगा, रेवड़ खरीदूंगा तो उसमें बहुत से पैसे बेच के कमाऊंगा, फिर मैं घर बनाऊंगा और घर बनाऊंगा तो फिर मेरी मैं अपनी शादी करूंगा, या मैं शादी करूंगा तो फिर मेरे छोटे छोटे बच्चे होंगे और जब मैं घर जाऊंगा तो मेरे छोटे छोटे बच्चे आके मेरे पाँव से लिपटेंगे तो मैं लाड और नखरे से कहूंगा हट जा, जो हट जा किया तो उसकी टोकरी गिर गई और सारे अंडे टूट गए। तो उसका मालिक आया, उसने कहा यार सारे तुमने मेरे अंडे तोड़ दिए, उसने कहा आपके तो सारे अंडे टूट गए, मेरे तो सारे ख्वाब टूट गए, ठीक है। तो यूं तो लगता है कि उस वक्त सारे ख्वाब टूट जाते हैं, मगर उसके पीछे मैं कह रहा हूँ कि शायद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मसलहत होती है, हम उसको देख नहीं पाते। और बिकॉज इसको कहते हैं हैंड साइड आउट, हैंड साइड आउट का मतलब होता है कि वो हम जो हमारे सामने एक्सपीरियंस होता है हम उसको कहते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन उसके पीछे जो हमारे लिए इससे बड़ी पिक्चर होती है वो हमें नज़र नहीं आ रही होती और वो एट लेटर स्टेज हमें नज़र आ रही होती है। फॉर एग्जांपल जब मैंने आपको पिंडी की बात बताई कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था और मैं उस वक्त 98 की बात है कि मैं उस वक्त 10-15,000 रुपये मिलते थे जो कि बहुत ज़्यादा पैसे थे, यंग एज थी मेरी, मेरी शादी हुई थी, बच्चे नहीं थे, स्टिल वी वर लिविंग इन अ रेंटल हाउस, बट 10,000 to 12,000 and 15,000 वर गुड इनफ मनी। एंड वन फाइन डे मॉर्निंग दी ऑर्गेनाइजेशन बॉस आस्क्ड मी टू लीव एंड उस दिन मैंने सोचा कि शायद मेरी ज़िंदगी फिर ख़त्म हो गई है, मगर अगर वो उस दिन मुझे टर्मिनेट ना करते, मुझे सेपरेट ना करते उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो शायद आज मैं वहाँ पे लाख रुपए कमा रहा होता या 1.5 लाख रुपए कमा रहा होता और शायद ना कमा रहा होता, लेकिन आज मैं अपनी इंडिपेंडेंट वकालत के इस स्टेज पे ना होता, इस कैटर पे ना होता जहाँ पे मैं आज अपनी लिबर्टी, अपनी फाइनेंशियल लिबर्टी, अपनी सोशल लिबर्टी, अपनी टाइम फ्रीडम को एंजॉय करता हूँ। अब मैं अपनी मर्जी से ऑफिस जाता हूँ, अपनी मर्जी से घर पे काम करता हूँ, मेरी टीम भी ऐसी है, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे काम चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ दी कि आप घर से बैठ के काम करें, आप गार्डन में काम करें, अमरी जाके बैठ के काम करें, आप कराची में जाके बैठ करें। और चूंकि अभी तो इस COVID-19 तो हमें और भी सिखा दिया कि ज़रूरी नहीं कि हम ऑफिस में जाके अंटल एनलेस के हम किसी ऐसी अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में हैं जाके हमारा फिजिकल पहुँचना ज़रूरी है, बाकी लोग हम जहाँ भी हों अगर काम करना चाहें तो हम बैठ के काम कर सकते हैं। तो फिर वो जो फेलियर था वो अगेन मेरी एक ब्रॉडर लार्जर लिबर्टी फ्रीडम का पहला दरवाज़ा था जो मुझे लगा दरवाज़ा बंद हो गया, लेकिन इनफैक्ट वो दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलता था और जब अंदर से मुझे इनसाइट आई तो मैंने सोचा मेरे तो दरवाजे खुल गए हैं बजाय बंद होने के। तो वो भी एक फेलियर था, उसने भी मेरी कामयाबी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और ऐसा कोई भी अगर हम फेलियर को एज ए इनफैक्ट ये जो फियर होता है ना, फियर फेलियर के पीछे जो फियर होता है वो इंसान को कुछ नहीं करने देता। एंड फियर को हम सिंपली कह सकते हैं फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल, और वो फियर कुछ नहीं होता, वो टेरर बैरियर होता है। जब उसको क्रॉस करते हैं तो हमें बड़ी खुली सी दुनिया नज़र आती है और वो दुनिया अपॉर्चुनिटी से भरी पड़ी है, वो दुनिया बहुत बड़ी है और उसके में किसी चीज़ की कमी भी नहीं है, सिर्फ हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। सही सर, इसमें मैं आपसे एक तो चले ये तो आपके पर्सनल लाइफ के हवाले से हो गया, आप चूंकि कोर्ट्स में जाते हैं, आप जुडिशियल सिस्टम को समझते हैं, तो मैं इसको फेल फेस को थोड़ा सा उसे लिंक करना चाहूंगा
कि माशाल्लाह एज अ वकालत तो बहुत जबरदस्त पेशा है। जो बानी पाकिस्तान थे जनाब कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह, वो भी वकील थे पेशे के एतबार से, और इंसाफ के लिए तो खुदा खुद भी कहता है कि मेरी जमीन में इंसाफ कायम करो। आजकल जो हम देखने में आ रहा है कि कोर्ट्स में उस तरह का इंसाफ एक आम आदमी को मिल नहीं रहा, लोगों पे रोज जुल्म और ज्यादती होती है, अमीर और गरीब के लिए अलग कानून है। तो आपकी क्या एज अ मतलब लॉयर आपकी क्या राय है कि व्हाई आवर सिस्टम इज फेलिंग, स्पेशली जुडिशियल सिस्टम, क्यों एक आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा? थैंक यू मोहसिन भाई, बहुत आपने बर्निंग क्वेश्चन किया है। मेरा अपना इस पर अपना अपना ख्याल है, मेरा व्यू है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट किसी भी सिस्टम में, वेदर जुडिशियल सिस्टम हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, बिजनेस हो, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है नंबर वन व्हाट आई कैन डू। फॉर एग्जाम्पल नाइकी का अगर आप स्लोगन देखें तो वो कहती है कि हाउ हार्ड यू प्ले व्हेन नो वन इज वॉचिंग, ठीक है। तो ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क एंड व्हाट आई एम सपोज्ड एंड व्हाट आई एम रिक्वायर्ड टू डू, व्हाट इज माय रिस्पांसिबिलिटी, व्हाट इज माय लायबिलिटी, अगर उसमें समझ लूँ और मैं करूँ कि मैंने अपना रोल प्ले किया इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि दूसरे क्या कर रहे हैं। बिकॉज इकबाल ने कहा था कि अफराद के हाथों में है अक्वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो जब हर और एक जैपनीज कोड है कि एवरी बॉडी इन अ सिस्टम इज अ टूल। टूल मीन्स कि जब कुर्सी पर बैठे हुए हैं उसके अंदर एक कीलें लगी हुई हैं, स्क्रू लगे हुए हैं, उस हर स्क्रू का अपना एक रोल है। अगर उस कुर्सी में से पूरी कुर्सी को जोड़े रखें, एक स्क्रू निकाल लेंगे तो वो झोलती नजर आएगी, झोल जाएगी। तो जहाँ तक कायदे आजम की बात की थी, कायदे आजम वॉज एन एक्सेप्शनल पर्सनैलिटी, कायदे आजम इज एन आउटस्टैंडिंग लीडर, कायदे आजम जैसा दुनिया में शायद ही कोई इंसान पैदा हुआ है, वो मेरा लीडर है, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात के लीडर हैं, उनके बाद अगर बहुत से लीडर गुजरे हैं, बट कायदे आजम इज एन एक्सेप्शनल पर्सन। और कायदे आजम इस कदर कमिटेड थे अपने काम के साथ कि वो बिस्तर मर्ग पे थे, ज्यारत में थे, उनका सेक्रेटरी, उनकी जरा सी आंख खुली और उनके सेक्रेटरी ने उनसे कहा कि सेक्रेटरी से कहा कि फाइल ले आओ, मैंने कोई फाइल साइन करनी है। तो उनके डॉक्टर थे, उन्होंने कहा आपको कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है, आपकी जरा सी थोड़े से आपको रिलीफ आया, आप इसमें कुछ ना करें। उसने कहा कि नहीं, मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा कीमती है और मैं मरने से पहले वो तमाम काम करके जाना चाहता हूँ जो मेरे जिम्मे हैं, क्योंकि जब मैं जाऊँ अल्लाह ताला के सामने, तो जब मैं उनके सामने पेश हूँ तो अल्लाह ताला मुझसे कहे कि वेल डन मिस्टर जना। दिस इज ए ग्रेट लेसन फॉर एवरीवन। जुडिशियल सिस्टम में भी मेरा ख्याल है कोई भी सिस्टम बजाते खुद नहीं बनता, उस सिस्टम को उसके प्रोफेशन में जो लोग काम कर रहे हैं वो बनाते हैं। हम एज एट ए लॉज हम समझते हैं कि हम एज ए लॉयर, एज ए जुडिशरी, हम अपना रोल प्ले नहीं कर रहे। मैं अपने, चूंकि ये मेरा स्पीकिंग मेरा पैशन है, मैं वकला में भी जाके तकरीर करता हूँ, उनसे बोलता हूँ, उनसे मैं कहता हूँ यार एज ए लॉयर, एज ए काउंसिल हमारा प्रोफेशन है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई शख्स हमारे पास आता है, वो हमारे पास जो दर्द लेके आता है, अगर वो तकलीफ में है तो हमारा काम है उसको रिलीफ देना, और अगर वो किसी को तकलीफ देने आए तो हमारा काम है उसको रोक देना। वी शुड नॉट कीप आवर आईज ऑन द अदर पर्सन, द पर्सन हु इज कमिंग, उसकी पॉकेट पे हमारी नज़र नहीं होनी चाहिए, हमें उसकी आंखों पे हमारी नज़र होनी चाहिए कि उसकी आंखों में कितना दर्द है, और हमें उस दर्द को महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि हम उस दर्द को महसूस नहीं करेंगे तो हम सर्व नहीं कर पाएंगे। अगर हम सर्व नहीं कर पाएंगे तो हमारा सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। एग्जैक्टली ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है लॉयर्स के ऊपर, ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है जजेस के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा ब्रॉटअप सिस्टम, हमारा ट्रेनिंग सिस्टम, हम ये समझते हैं कि मेरा दिन गुजर जाए किसी तरह, मेरा काम हो जाए, बाकी सब का हो या ना हो। लेकिन मैं जो एज ए मुस्लिम, अल्लाह ताला ने हमें बड़ा खूबसूरत सिस्टम अता किया है कुरान में, और एज ए मुसलमान में हम आउटवर्डली सोचते हैं, आउटवर्डली, बिकॉज आई हैव टू सर्व यू एंड यू हैव टू सर्व द अदर, यू हैव टू थिंक फॉर द नेबर एंड द नेबर एंड थिंक फॉर द मोहल्ला एंड थिंक फॉर द विलेज एंड थिंक फॉर द कंट्री एंड थिंक फॉर द ग्लोब। या यू वाला इंसान को अल्लाह ताला ने मुखातिब किया है, और अल्लाह ताला ने इस्लाम को इसलिए भेजा कि हम दुनिया को खूबसूरत बनाएं। लेकिन हमने हमारा जो प्रिवेलिंग सिस्टम है, वट एवर इट इज, हमने उसको रिवर्स कर दिया है। हम अगर ब्रॉडर सिस्टम में सोचें तो ग्लोब में अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, तो मुल्क के लिए सोचते हैं तो हम अपने सूबे के लिए सोचते हैं, अगर हम सूबे के लिए सोचते हैं तो हम अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए सोचते हैं, डिस्ट्रिक्ट से नीचे आते हैं तो अपने मोहल्ले का सोचते हैं, मोहल्ले के बाद अपने घर का सोचते हैं, घर में अगर हम अफराद के अंदर है तो मैं अपना सोचता हूँ कि मेरा बेनिफिट हो जाए, मेरे भाइयों में, बहनों में,
तो मैं समझता हूँ कि मेरा बेनिफिट हो जाए, भाई को हो ना हो, अनटिल अनलेस हम इसको अपनी ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है ह्यूमैनिटी का उस पर लेके जाएं, तो ताकि हम अपने, जब मैं किसी को सर्व करूंगा एक बंदे को, तो मुझे 10 लोग सर्व कर रहे होंगे। और यही प्रॉब्लम है हमारी जुडिशरी में भी, यही प्रॉब्लम है हमारी लॉयर्स कम्युनिटी में, यही प्रॉब्लम है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी, बिकॉज एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू जस्ट स्पेंड हिज डे, ही डज नॉट वॉन्ट टू डू वट ही इज रिक्वायर्ड टू एंड ही हैज कम टू परफॉर्म। जब हम परफॉर्मेंस देंगे एंड वंस वी स्टार्ट डूइंग दैट, अगर मैं अकेला भी हूँ और मैं जिस काम के लिए मैं आया हूँ उसको मैं ऑनेस्टी के साथ करूँ, एंड व्हेन आई थिंक हाउ ऑनेस्ट आई एम व्हेन नो वन इज वाचिंग, हाउ इंटेग्रल आई एम व्हेन नो वन इज वाचिंग, हाउ रिस्पॉन्सिबल आई एम व्हेन नो वन इज वाचिंग, एंड हाउ हार्ड वर्किंग आई एम व्हेन नो वन इज वाचिंग, देन द ऑलमाइटी अल्लाह इज वाचिंग, एंड फिर सब चीजें अपनी जगह पे प्लेस होती चली जाएंगी। तो इसमें सर मैं अपनी भी एक ओपिनियन ऐड करना चाहूंगा कि पहले तो सर एक कोई व्यूअर है हमारा, वो आपसे आपका ईमेल डिटेल्स मांगना चाह रहे हैं, अगर आप ईमेल उनसे शेयर कर लें, ईमेल एड्रेस। जी मेरा ईमेल जो आसान सा है वो m.visalkhan@hotmail.com m.visalkhan@hotmail.com ये मेरा ईमेल है, पर्सनली ईमेल है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सर्विस हो, एनी सॉर्ट ऑफ आई कैन हेल्प यू आउट, इस पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप अपना फोन नंबर भी काइंडली शेयर कर दें। जी मेरा फोन नंबर 0333-516-4021 पाकिस्तान +2 333-516-4021। अच्छा सर एक और क्वेश्चन है सर, एनी सजेशन फॉर योर फॉर यंग जनरेशन विद करियर कंफ्यूजन। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि यंग जनरेशन करियर और गोल्स इन चीजों को लेके बड़ी कंफ्यूज है, जिस तरह आपने पहले कहा था कि वो हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ है, तो जो आजकल का ट्रेंड है एक ही बजाय चार चार औरतें आ गई हैं, लेकिन बंदा कामयाब नहीं हो सक रहा, ये क्यों हमारे स्टूडेंट्स और लोगों के साथ इशू हो रहा है, इस पे काइंडली अपनी राय डाल। पहली तो मोहसिन भाई लेट मी करेक्ट यू, मैंने ये नहीं कहा कि हर कामयाब औरत आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, औरत और मर्द दो बराबर हैं, इस कायनात के दो बराबर एंटिटीज हैं, और किसी के पीछे किसी का हाथ नहीं हो सकता, हर बंदे के पीछे उसकी अपनी स्ट्रगल का, अपनी गोल्स का, अपनी एम्बिशियस का, अपनी अपने पोटेंशियल का हाथ होता है, नंबर वन। नंबर टू, अल्लाह ताला ने हर इंसान को बेहतरीन पोटेंशियल के साथ पैदा किया है, हर बंदे को ये पता होना चाहिए, बिकॉज अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, वत्तीन हज़रत वो तीन की जो पहाड़ी है, वज़ैतून वो जो जैतून की पहाड़ी है जहाँ नूह अलैहिस्सलाम ने, जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने, वो तूर सीनीन जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने दावत दी थी, वहाँ वो जो दावत की कहानियाँ हैं कुरान में, ये जो कुरान ने शहादत बना के पेश किया है कि वहाँ हज़रत नून ने क्या किया, हज़रत सुलेमान के साथ क्या हुआ, हज़रत इब्राहिम के साथ क्या हुआ, हज़रत मूसा के साथ क्या हुआ, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया तो उनके साथ बहुत सी तकलीफात का सामना करना पड़ा उनको, और आपको यह पता होगा कि मक्की ज़िंदगी की पहले 13 सालों में कोई 200 लोग मुसलमान हुए, बट दैट वॉज अ वेरी फुल ऑफ स्ट्रगल उनकी लाइफ थी, मगर उसके लिए पेशेंस और परसिस्टेंस की जरूरत थी, तो वो सूरह यासर में है वतवासो बिल हक वतवासो बिल सब्र, हक का मतलब है कि आप राइट थिंग पे खड़े रहें, और पेशेंस सब्र का मतलब है कि पेशेंस के साथ परसिस्टेंस के साथ रहें तो आप कामयाब होते जाएंगे। तो वतीन वजूतीन वतूर सीनीन वहाज़र बदल अमीन के बाद कहा कि लकद खलकनल इंसान फिया सन तकवीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन पोटेंशियल के साथ पैदा किया, बेहतरीन पोटेंशियल का मतलब ये है कि उनको अहसन तकवीम सुपरलेटेड डिग्री ऑफ दी खूबसूरती, मींस अगर आप अपने नब्ज पे हाथ रखें तो आप नाप सकते हैं कि आपकी बेटी कितनी है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपकी किडनी की रफ्तार कितनी है, आपकी वाइब्रेशन मेंटल वाइब्रेशन की, हमारे माइंड की सोचने की रफ्तार सब नापी जा सकती है, मगर आप किसी के नब्ज पे हाथ रखकर, किसी के सर पे हाथ रखकर, किसी के घुटने पे हाथ रखकर ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर पोटेंशियल कितना है, बिकॉज पोटेंशियल हैज बीन गिवन टू एवरीबॉडी अनलिमिटेड। जहाँ कैरियर काउंसलिंग की बात है तो वो हमारा जो एजुकेशनल कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम है, वेदर दिस इज आवर जो हमारे सरकारी स्कूल हैं या हमारे प्राइवेट एजुकेशनल सिस्टम है जो ग्लोबल है जिसको हम पढ़ रहे हैं, वो हमें अंग्रेजी पढ़ने के सिवा या माशरत उलूम और तारीख और मैथ वो भी पता नहीं किस जमाने के सिवा कुछ नहीं सिखाता, वो हमें थिंकिंग प्रोसेस नहीं सिखाता, और हमारी नई जनरेशन को थिंकिंग प्रोसेस की जरूरत है। नंबर वन,
दे हैव टू फाइंड आउट कि वो उसको क्या काम करने में मजा आता है. नंबर वन, अगर चले मजा आता है वो नहीं कर सकते, लेकिन फॉर द टाइम जो काम कर रहे हैं उसको अपनी बेस्ट पोटेंशियल के साथ करें. हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर आप एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर आप देखें तो आपके जो चेन सिस्टम में आपकी सुपरविजन है, दे आर एक्सपेक्टिंग यू फ्रॉम समथिंग, दे आर नॉट पुटिंग यू इन टू द पोटेंशियल बॉक्स, कि जहां पे आपने पोटेंशियल को बाहर निकालें और टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी आप काम करें. अगर आप वो करने की कोशिश करेंगे 10 लोग आपके रास्ते में खड़े हो जाएंगे. बिकॉज हम हमारी पूरी सोसाइटी, हम सब हम एक बॉक्स में रहते हैं, हम एक वी थिंक इन अ बॉक्स, वी लिव इन अ बॉक्स, वी वॉच अ बॉक्स टेलीविजन ऑल द डे, एंड इट जस्ट यू नो फिल अवर माइंड विद जंक. इट डजंट गिव अस एनीथिंग, बिकॉज टेलीविजन की स्क्रीन पे हम बैठे पैसे दे रहे होते हैं और पीछे जो होते हैं वो पैसे कमा रहे होते हैं, कभी फियर के साथ, कभी एक्साइटमेंट के साथ, कभी ग्लैमर के साथ वो हमसे पैसे ले रहे होते हैं. बट वी लिव इन अ बॉक्स, वी थिंक इन अ बॉक्स, वी ईट इन अ बॉक्स, वी डाई इन अ बॉक्स, वी आर बरीड इन अ बॉक्स, एंड वी स्टिल कॉल इट लाइफ, बिकॉज हम अपने पोटेंशियल को बाहर नहीं निकलते, हम आजाद नहीं होते. तो जो यंग जनरेशन है उनके एजुकेशनल सिस्टम चूंकि उनको थिंकिंग नहीं सिखा था, उनको बहुत से एरिया नहीं सिखा था जहां पे वो काम कर सकते हैं, आपके हर कदम कदम पे एक नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए. देयर इज अ बुक दैट इज कॉल्ड एवरी मिनट अ न्यू कस्टमर इज बॉर्न. ठीक है, तो हमारी हर सेकंड हर मिनट में हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी निकल रही होती है, लेकिन उसके लिए हमें कन्वेंशनल थिंकिंग प्रोसेस से निकल कर क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस में जाना पड़ेगा और हमें उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा. फिर हमें देखना पड़ेगा हमें जहाँ अपॉर्चुनिटी ऐसी चीज़ है कि आपके सामने से आती है और चली जाती है, और फिर आप में देखते हैं कि यार अपॉर्चुनिटी तो आई थी, ये तो मैंने ज़ाया कर दी है. तो नई जनरेशन के लिए मेरा सबसे पहला जो एडवाइस है वो तो ये है कि नंबर वन, आप कन्वेंशनल एजुकेशनल सिस्टम के साथ स्टडी वेरियस थिंग्स, हिस्ट्री पढ़ें, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ें, बुक्स पढ़ें, मोटिवेशनल बुक पढ़ें, और कुछ ऐसी चीज़ पढ़ें जो आपके अंदर क्रिएटिविटी लाए. और आपके पास जो भी फॉर एग्जांपल कोई मुश्किल अगर आपके सामने आती है तो आई डोंट कॉल द प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम, एवरी प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी, एवरी प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज देर आर थ्री वेज टू एड्रेस अ प्रॉब्लम, आइदर वी कैन सॉल्व इट, सो वी शुड सॉल्व इट, इफ वी कांट सॉल्व इट लीव इट. एंड the third thing is that we should think how can I get advantage of this problem. So नई generation के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि number one, उनको vast study करनी पड़ेगी, हमने किताबों को छोड़ दिया है, और unless हम इस screen से और इस screen पे इससे हट के हम किताब पे नहीं जाएंगे तो हमारा thinking process unleash नहीं होगा, हमें unleash करना पड़ेगा. और तीसरी बात है कि अपने goals जो होते हैं वो short term goal और long term goal होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरा 2003 का गोल मेरे पास में अब भी लिखा हुआ है, बिकॉज मैं जब स्टेज पे बोलता हूं तो मैं रोकता हूं कि लोग ख्वाब देखते हैं और मैं अपने ख्वाब अपनी जेबों में लिए फिरता हूं, तो वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसमें लिखा हुआ था कि आज से 2 साल पहले मेरी एक लॉ फर्म होगी जिसकी इतनी स्ट्रेंथ होगी, ग्लोबल उसकी ये पोजिशन होगी, और उसका मैं एनुअल इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँगा. और उस गोल लिखने के 3 साल बाद 5 साल बाद मैं अपनी वो लॉ फर्म एस्टेब्लिश कर चुका था और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उस पर हूँ. बट द गोल शुड बी नंबर वन रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, एंड इन अलायंस विद दी आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो आपकी आपका पोटेंशियल है. तो गोल लिखना बहुत जरूरी है. अंटिल अनलेस यू राइट अ गोल, देयर आर यू नो द एंड गोल, आपने कहाँ जाना है. और सम टाइम आपका गोल इतना बड़ा होता है, फॉर एग्जाम्पल इलामा इकबाल का गोल, उसका ख्वाब ये था, ड्रीम ये था कि पाकिस्तान बने, वो अपनी जिंदगी में शायद वो ना देख पाए, मगर वो आज पाकिस्तान दुनिया में एक जिंदा और जावेद मुमलिकत की सूरत में मौजूद है. तो अपने गोल लिखें और फिर उसके लिए टाइम मुकर्र करें और फिर उसके लिए स्ट्राइव करें, स्ट्रगल करें उसके लिए. अगर आप गोल लिख के सो जाएंगे तो सोने से नहीं होता. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोते में ख्वाब देखते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ख्वाब उन्हें सोने नहीं देते. आप वो बन जाएं कि अगर आप ख्वाब सोने ना दें तो देर इज़ नो रीज़न कि आप कामयाब ना हो सकें. मैं हो सकता हूँ, मोहसिन हो सकता है, हम किसी ऐसे यहाँ तो बहुत, जब हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी थी, इंटरनेट नहीं था, किताबें नहीं होती थी, जूते नहीं होते थे, अगर हम कामयाबी की इस सतह पर पहुँच सकते हैं तो आप लोग तो एक ऐसे इरा में पैदा हुए हैं जहाँ नॉलेज आपकी फिंगर टिप्स पे है. तो देर इज़ नो वे कि आप कामयाब ना हो, मगर सबसे पहले आपको अपना पोटेंशियल दरियाफ्त करना होगा. नंबर 2, अपने आप को बिलीफ मजबूत करना होगा. और नंबर 3, वह तवासो बिल हक, वह तवासो बिल सबर, परसिस्टेंस एंड पैशंस के साथ आपने चलना होगा. हिम्मत नहीं हारनी. अगर सब सुनना चाहते हैं कि मैं उनको बता दूं कि वो शॉर्ट
कट क्या है? तो शॉर्टकट ये है, फॉर द सक्सेस देयर इज नो शॉर्टकट। यस सर, एक पर्सनल क्वेश्चन अगर आप इजाजत दें। प्लीज। माशाल्लाह आपका इतना हेक्टिक स्केड्यूल होता है, कोर्ट्स में आगे पीछे ट्रैवलिंग हर चीज, बीइंग अ लॉयर, जब घर में लड़ाई होती है तो वहां आपका मुकदमा कौन लड़ता है? बात यह है कि जो डॉक्टर होता है ना, वो अपना इलाज नहीं कर सकता। लॉयर अपना काम नहीं कर सकता, बिकॉज आपका प्रोफेशन जो है, अगर आपने उसके ऊपर जस्टिफिकेशन के साथ, राइटनेस के साथ अपना मुकदमा लड़ना है, तो उसमें आप इमोशंस को इंक्लूड नहीं कर सकते। और अपने पर्सनल किसी केस में, मेडिकल मेडिकल इशू हो या फाइनेंशियल इशू हो या डोमेस्टिक इशू हो, चूंकि उसमें आप इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, तो अपना मुकदमा नहीं लड़ सकते, उसको आप किसी तीसरे को लाना पड़ता है। तो घर में जब लड़ाई होती है तो मैं किसी न किसी कोई ना कोई आके उसको सुलझाने की कोशिश करता है, वरना फिर मैं ये कोशिश करता हूँ कि ये मेरा परमानेंट फेलियर है, ये इसको मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये डायबिटीज की तरह की बीमारी है, आप इसके साथ जीना पड़ेगा। जैसे हमें अभी COVID-19 के साथ जीतने की तैयारी करनी है और सीखना होगा, इसी तरह बीवी के साथ भी आपको जिंदगी भर जीते रहने का घोर सीखना होगा। और So it was a nice, wonderful debate with you, sir. Thank you so much for being live with the Fail Fest. मैं अपनी डिबेट इस चीज से एंड करना चाहूंगा कि जिंदगी में फेलियर एक्चुअली सक्सेस का पार्ट होता है। जब आप फेलियर से गुजर रहे होते हैं तो आपको कोई ना कोई उस सक्सेस के लिए तैयारी कराई जा रही होती है। और जिस तरह मैंने विशाल साहब से बात की जुडिशियल सिस्टम के हवाले से कि क्यों हमारा फेल है, अगर आप देखें तो इसी सिस्टम को आप लिंक कर लें तो कौम की बाकी भी चीजों में, एजुकेशन सिस्टम है, बाकी जितने भी सिस्टम्स हैं, वो इसलिए खराबी आ रही है क्योंकि आपका इंसाफ का निज़ाम सही नहीं है। इसकी दो एग्जांपल्स हैं, हमारे बड़े मोहतरम सावी जनाब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला का फरमान है कि अगर कुफर की हुकूमत तो चल सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। तो अगर हमारे माशरे में कोई भी जुल्म हो रहा है और हम नहीं आवाज उठा रहे, ठीक है, मिसाल दे दें, जिस तरह एक बच्ची का वाकया हुआ, तोता उड़ाने पर उसको कत्ल कर दिया गया, लाहौर में रिसेंटली बच्चों पे कुत्ते छोड़े गए, उस पे उसको बेचारे को मर्डर उसका हो गया, तो हम अगर इन चीजों पे अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो माशरा अपनी मौत खुद मर जाएगा। तो और दूसरा मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा एक नॉन मुस्लिम की भी कि सर विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे दूसरी जंग अजीम के दौरान, उनको किसी ने ये कहा कि आपका मुल्क तो तबाह हो रहा है, लंदन में जर्मन ने अटैक कर दिया और आपकी इकोनॉमी, हर चीज तबाह हो रही है। जबकि चर्चिल ने अपने बंदे से पूछा कि यार क्या अदालतें सही काम कर रही हैं, उसने कहा जी बिल्कुल इंसाफ भी हो रहा है, जजेस इंसाफ भी दे रहे हैं, तो उसने कहा तुम बेफिक्र हो, जो अगर इंसाफ हो रहा है तो इस मुल्क को कोई तबाह नहीं कर सकता। और दुनिया ने देखा कि ऐसा ही हुआ। सो मैं अपनी डिबेट का फिर इख्तिताम इसी बात पे कर रहा हूँ कि आप फेलियर से कोई भी घबराए ना, विशाल साहब के हमारे सामने बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है, इंशाल्लाह इनको नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह के सेशन में लेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छी आज लर्निंग हुई होगी। Thank you so much. Allah. Thank you very much. Thank you very much. It was a great session, and I hope I have been able to convey a message. It was my pleasure. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.